करा छन जन्म भाई ने बोला आ जाओ, तो हम जो है बाइक के पास है ऑफिस, तो बहुत देर तक बैठे रहे बाइक से ऑफिस में बात कर। अरुण भाई बाबा को लेकर, बाबा के नौ सिक्कों को लेकर कभी रावत पूर्व में अपने घर आएंगे। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखा रहा है इस होली विशेष पूरी राजधानी में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे आप पीछे ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज है 21/3/2024, भजन संध्या रखी गई है साईं जी के आगमन में। कहते हैं साईं के हाथ हजार है, तो साईं जी के जो हाथ हजार है तो हमारे साथ में सर जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। आज जो कार्यक्रम हुआ है राजा जी पुरम में, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम साई राम। मैं अरुण गायकवाड़ लक्ष्मीबाई शिंदे जी का पर पोता हूँ। जो लक्ष्मीबाई जिन्होंने बाबा को 45 साल अपने उनके जीवन में खाना खिलाया और बाबा ने उनको ये चांदी के 9 सिक्के देकर, जिस दिन 15 अक्टूबर 1918 दशहरा, मुहर्रम, विजयादशमी और बुद्ध जयंती, ऐसे तीनों त्यौहार पे बाबा ने समाधि लिया और समाधि लेने से कुछ क्षण पूर्व ये चांदी के 9 सिक्के दिए थे। ये चांदी के 9 सिक्कों का पूरी दुनिया में भ्रमण चल रहा है, जहाँ जहाँ लोग बुला रहे, भजन संध्या हो रही है, घरों में पूजा होती है, मंदिरों में भी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये सिक्के हो सकता है 3 साल के बाद कहीं नहीं जाएंगे, एक शिरडी में विशाल मंदिर बन के उसमें स्थापित हो जाएंगे। आज यहाँ पे लखनऊ में ऐना जी ने बहुत सालों से उनका कोशिश था कि ये सिक्के लखनऊ में आए और अपने आप ये प्रोग्राम बन गया कि जिसका एक बाबा उनके लिए तो एक चमत्कारी हो गया। जैसे कानपुर लखनऊ में 2 बार हुआ है, लेकिन कानपुर वालों की वजह से लखनऊ में आना हुआ, तो ये एक हमारे लिए तो चमत्कारी है। और बाबा के जो 9 सिक्के हैं, ये नवविधा भक्ति के रूप है। लोग आजकल भक्ति में करते हैं, लेकिन बाबा ने जो असली सिखाया है नवविधा भक्ति, श्रद्धा, सबूरी, भक्त के 9 गुण क्या होने चाहिए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। बस बाबा हिंदू है या मुस्लिम है, इसी के ऊपर ध्यान देते। तो इसलिए लोगों ने ये सोचना चाहिए कि बाबा ने जो सिखाया है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि बाबा कौन से जात के हैं या कौन है। क्योंकि मैं वो लक्ष्मीबाई शिंदे जी का पर पोता हूँ, और कभी भी हमको एक लक्ष्मीबाई ने और बाबा के साथ जो भी भक्तगण थे, उन्होंने कभी भी बाबा के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि बाबा ने उनको नहीं बताया कि वो कौन से जात के हैं या कौन से धर्म के हैं या उनका जन्मदिन कौन सा है या उनका जन्म गांव कौन सा है या उनके बाद कोई आने वाला है। तो इसीलिए भक्तगणों को मेरे एक ये लखनऊ वासियों को और पूरे दुनिया के लिए यही बताना चाहता हूँ कि बाबा को धर्म में मत बांटिए, बाबा का धर्म एक ही है, सर्वधर्म समभाव। बाबा तो यही कहते, सबका मालिक एक है, और उनका कहना था सबरी, जो सबर के साथ में जो है अपनी भक्ति करता रहे उसको सबर का फल जरूर मिलता है। तो हमारे साथ में सर जी भी, तो उनसे बात करेंगे। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे और जिस तरह से साईं भजन संध्या थी? ये ओम साईं राम, ये कार्यक्रम मीना जी के यहाँ 12 महीनों से लगातार चल रहा है। ये 12वां प्रोग्राम था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, किसी भक्त के यहाँ शायद ही साल भर में अपने जीवन काल में एकाध कार्यक्रम करवा पाता हो। 12
कार्यक्रम लगातार एक साल तक चलता रहे और उसमें भी ये समापन का कार्यक्रम था जिसमें भजन संध्या रखी गई थी और मुख्य आकर्षण बाबा का एक चमत्कार कह लीजिए कि यह भी हुआ कि हमारे अरुण भैया जी शिरडी से बाबा के 9 सिक्कों के साथ यहाँ पधारे और हम सब लोगों को उनका दर्शन हुआ, कृतार्थ हुए हम सब लोग। और कार्यक्रम तो अपने आप में बहुत ही भव्य रहा, आपने भी देखा होगा इतने सारे जिन लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई थी अब तक के वो सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए और बड़े हर्षोल्लास के साथ ही आज के कार्यक्रम का समापन हुआ। क्योंकि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, ईश्वर ही चाहता है तभी सब कुछ होता है। तो और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे भजन गा करके पूरा माहौल साईं राम कर दिया, तो क्या कहेंगे सर जी आप? ओम साईं राम। मैं चिंटू मल्होत्रा कानपुर से, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मेरा मानता हूँ कि मेरे जो आज मेरी हाजिरी इस भव्य दरबार में लगी और इसका श्रेय मैं बाबा साईं को और अरुण जी को देना चाहता हूँ। और दीदी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि बाबा के 9 सिक्के जो नवधा भक्ति का स्वरूप है उनके सामने मुझे हाजिरी लगाने का मौका मिला, मेरा जीवन धन्य हो गया। बोलिए साईनाथ महाराज जी की जय हो। क्योंकि 9 सिक्के महाराज से चल करके और सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जिस तरह से करा गया है, तो मैं ऐना जी से कहूँगी थोड़ा सा साईं राम जी के सामने आए, क्योंकि जो उनकी भक्ति है और भक्ति में जो शक्ति है वो दिख गई है। क्योंकि अरुण जी ने खुद ही कहा कि 2 कार्यक्रम स्थगित होने के बाद ही यहाँ पे जो कार्यक्रम तीसरा बना था, क्योंकि इसमें भी साईं राम की कहीं ना कहीं इच्छा थी। तो ऐना जी क्या कहना चाहेंगे इतने भव्य कार्यक्रम के लिए जो इसका संचालन आपने बहुत अच्छे रूप से किया? ओम साईं राम आप सभी को। और चूंकि मुझे बहुत अच्छा कोई बोलना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, बाबा के प्रति मेरा बहुत लगाव रहा है। और हम जाते थे तो सब कहीं भजन क्या संध्या ये सब कुछ देखते थे, सुनते थे, तो वैसे ही मेरे भी मन में आता था कि बाबा आपका भी हम कुछ कार्यक्रम करवा पाएं। तो बहुत सालों तक, चूंकि इतना करना 1 साल तक सच में बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन हाँ, बाबा ने कुछ ऐसी प्रेरणा की, पहले तुम 2 कदम तो बढ़ो, शुरुआत तो करो, ऐसे सोचते रहोगे तो हो चुका। तो हमने छोटी सी भजन सर और बिना सोचे शुरू करी, लेकिन हाँ, हमने 2 कदम बढ़े। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे, हम चूंकि भाई के सामने कह रहे हैं, अरुण भाई के सामने भी कह रहे हैं कि नहीं, पहले जो है अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, जब ऊपर वाला चाहता है, जब बाबा चाहते हैं तब होता है, ऐसा सारी दुनिया कहती है। लेकिन सारी दुनिया से मेरे एक अलग विचार हैं कि पहले अपने अंदर पागलपन जगाओ, पहले अपने अंदर कुछ पैदा करो। अरे सबसे मत बताओ, शुरुआत तो करो, अंदर वो चीज़ रखो कि हम 12 महीने करेंगे, सबको मत बताओ। लेकिन धीरे धीरे 2 भजन 2 कार्यक्रम हुए, फिर मैंने अपने भाई उमा भाई से संपर्क किया, जिनको हम सच बता दें हम उनका जितना भी धन्यवाद करेंगे तो उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। और हम उनको सच बताए थैंक्स भी नहीं बोलेंगे, धन्यवाद भी नहीं बोलेंगे, ना हम अरुण भाई को बोल सकते हैं, क्योंकि वो शब्द बहुत छोटा है, बहुत छोटा शब्द है, हर बात का थैंक्स नहीं होता। तो हमने जो है भाई को बोला, तो जब भाई को बोला, भाई ने, आज हम ये बात खुद कह रहे हैं, अगर हमने कुछ बोला है, भाई सुन रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ना शब्द कभी यूज नहीं किया। और आज से नहीं, 12-15 साल से, जब से हम भाई 22 साल हो गए ना जानते हुए, ना शब्द नहीं। हमने कहा भाई ऐसा कर दो, तो उन्होंने कहा हाँ कर दिया। हमने जब बोला तो उन्होंने खुद से रूपरेखा बनाई, हमको ये बताई नहीं थी। उसके बाद फोन करके लिख के कागज पे मुझे वो भेजा, और उन्होंने 10 महीने का बनाया, 10 महीने की डेट निकाली। और भाई ने कहा ये बात तुम्हारे और हमारे बीच में रहेगी, भाई आप भी आएंगे, तुम्हारे और मेरे बीच में गए। और राजेश भाई जानते थे बस, हाँ क्यों, क्योंकि पता नहीं बीच में ऐसा क्या हो जाए जो हम ये काम ना कर पाए, फिर सब लोग हंसेंगे, लोग करना तो शुरू किया था कर नहीं पाई। तो वो 3 में था, होता गया, भाई ने प्रेरणा देते गए बाबा से, कहा एक प्रोग्राम ख़त्म होता था दूसरे की तैयारी, दूसरा ख़त्म होता था तीसरे की तैयारी, ऐसे होने लगती थी। फिर उसके बाद जो था, ये हम अरुण भाई को बहुत समय से, मतलब 7-8 साल से बोल जानते थे, घर जाते थे, बोलते थे, तो ऐसे इनको भी हमने एक बार बोला था कि भाई कभी आइए। तो चूँकि इनका मेरे लिए, तो भाई सच बता दे, जो भी करना वो मेरे लिए असंभव था, हम वहीं पे बोले थे, हाँ नहीं बोल के कभी आए थे। लेकिन हाँ, चूँकि सच बता दे, अगर बाबा को कोई मानता, बाबा उसको निराश कभी नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा सच है। तो फिर अरुण भाई का आना हुआ, किस्मत से वो मेरा समापन समारोह का आखिरी था, और उसमें भी जिन्होंने उनको बुलाया था, ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने आज का दिन रखा था, फुल डे,
और मेरा भी आज का था जो भाई ने 10 महीने पहले निकाला था, और दोनों उनका 20 को हुआ तो भाई ने खुद मुझे फ़ोन करके क्या है ना 21 को मैं आऊँ बाप सिक्के लेके। अब वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी जब वो खुद कह रहे, जिनको हम नहीं बुलाने का सच बताए औकात रखते थे, लेकिन बाबा के आगे तो ना धन है ना कुछ दौलत है, बाबा तो वैसे भी हैं भाव पढ़ लेते हैं। तो अरुण भाई ने बोला, हमने कहा आपका स्वागत है, मैंने किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, उसका रीज़न कहीं ऐसा ना हो कानपुर वालों को 21 की डेट मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कानपुर वालों को 21 की डेट मिल जाए और हम सबसे गाना बजाना करते हैं, भाई आ रहे भाई आ रहे। अरे जिसने फ्लाइट का आना जाना रहना खाना दिया, हम तो क्या ही दे रहे हैं। और हमने कहा नहीं नहीं बताएंगे किसी को, अंदर ही रख, हाँ सारी बात भाई को बताते तो उनको बता दी कि उनसे निकलेगी नहीं। और फिर मन में रखा, इन्होंने कहा बैनर भेज रहा हूँ ये भेज रहा हूँ, मैंने तो भाई डन है 100%। भाई ने सच में बोला वहाँ से 200%, याद है भाई 200% हुआ। तब हमने जो है सबको कहना शुरू किया, और ये बात है भाई आए इतना हुआ, और हमने ये माना कि मेरे समापन समारोह में खुद शिरडी से चलकर बाबा आए 9 सिक्कों में, और अरुण भाई ने आज बाबा का भोग लगाया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम जितना भी धन्यवाद करेंगे कम है। कि साईं जी तो वो है, साईं राम जी तो वो है जिन्होंने पानी के दिए जला के साबित कर दिया कि भक्ति में कितनी शक्ति है। और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। सभी को ओम साईं राम। बाबा का संदेश सिर्फ श्रद्धा सबरी है, जो भी बाबा को श्रद्धा के साथ मानता है विश्वास के साथ होता है बाबा सदैव हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। ये वचन उन्होंने रहते हुए भी जीवित, मतलब जीवित क्या, जीवित तो आज भी हैं वो, जब थे मतलब अपने मानव शरीर में थे तब भी उन्होंने ये वचन दिया और आज भी वो निभा रहे हैं। हम लोग भक्तों को जब जब कोई कष्ट होता है तो बाबा उसको उबारने कैसे उबारते हैं हम लोग को नहीं पता, और इससे ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जो भाव होते हैं भाव भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। सर हमारे साथ में उनसे बात करेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा भजन गाया साईं संध्या में, जो अपना जो बहुमूल्य समय भी दिया, तो क्या कहना चाहेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से ओम साईं राम। मेरा नाम अंकित महेंद्र है। तो जैसा कि आप सब लोगों से अभी कई लोगों से आपने बात करी और सबके मुख से आपको यही सुनने में आया कि श्रद्धा और सबरी, हाँ मैं भी इनको इन दो शब्दों को ही मान करके चलता हूँ और मेरे शरीर मेरे जीवन का यही दो मूल मंत्र है श्रद्धा और सबूरी, जो मेरे साईं ने मुझे सिखाया। साईं ने तो हम सबको भी बहुत कुछ सिखाया, मगर बाबा के बाद अगर दूसरे नंबर पे मैं किसी को किसी भी चीज़ का क्रेडिट देता हूँ तो वो मेरी बुआ ऐना है। बुआ मेरे लिए वो स्रोत है जो शायद मुझे हर रास्ते में हर तरीके से हर जगह पे हर एंगल से मुझे सपोर्ट मिलता है, चाहे वो मेरे भजन की शुरुआत हो, चाहे बाबा के प्रति वो मेरा प्रेम हो, चाहे कहीं का भी मेरा बाबा के लिए जाना हो, दर्शन का ट्रिप हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का मेरा मेन जो स्रोत है जहाँ से वो ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है वो मेरी बुआ। अब बुआ बोलना मेरे लिए शायद थोड़ा कम है अगर मैं उनको बुआ बोलूं, एक तरीके से वो मेरी माँ है, और ये मैं आप सबके सामने आज कहना भी चाहूँगा कि हाँ वो मेरी माँ है। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आप इस समय देख रहे हैं, हम लोग राजा जी पुरम में खड़े हैं जहाँ पे साईं संध्या का जो है आयोजन हुआ था आज जो है आप 21 तारीख को, और भी कुछ लोग हैं जो इस साईं संध्या से जुड़े हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम? सभी को ओम साईं राम। मैं हूँ भजन गायक हर्ष जोशी लखनऊ से, जो कि मैं पहली बात धन्यवाद करना चाहूँगा आपके HTN टाइम्स को, जो कि इस भजन संध्या की खूबसूरत चार चांद लगाए आपने आकर के, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। मैं अपने भजनों के माध्यम से बाबा के चरणों में हाजिरी लगाया, अनेकों अनेक भजन गायक इस भजन संध्या में आते हैं, और मैं इस भजन संध्या का सबसे बड़ी शक्ति मानता हूँ ऐना दीदी ने, जो कि इतने भाव से 12 महीने जिस तरीके बिताए हैं, हम लोगों का इंतज़ार रहता था कि कब हम लोगों को आने का सौभाग्य मिले, क्योंकि बस दो लाइनें मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। सभी को बहुत खूब आप क्या कहना चाहेंगे सर जी?
बहुत अच्छा लगा ओम साई राम, ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे। एक बार मैं बताना चाहूँगा, ये इतना कार्यक्रम हुआ 12 महीने तक लगातार चला, इसमें जो जैसे कहते ना कि पार्श्व में रह करके कोई करता हुआ सामने नहीं आता है, लेकिन अगर उसको निग्लेक्ट कर दिया जाए तो लगेगा कि पूरा कार्यक्रम अधूरा रह गया। ऐसे ही हमारे रिजवान भाई हैं, ये रिजवान भाई हैं बैक में रह करके ये कार्यक्रम जो आप देख रही हैं सारा ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, और एक एक चीज का कहाँ से क्या मैनेज करना है, कैसे करना है, इतना बड़ा स्वरूप जो आप देख रही हैं ये आज इन्हीं की बदौलत है। एना जी, हम लोग तो अलग से एक हो जाते हैं, लेकिन जितना कुछ भी होता है वो सब कुछ सारा क्रेडिट अगर दिया जाए तो रिजवान भाई को जाएगा, जिनके बदौलत नहीं बाबा तो करवा रहे हैं, सब बाबा का करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। इतना कुछ इन्होंने किया है, इतना कुछ भी किया जाए इनके लिए तो बहुत नहीं, कुछ नहीं, जो बाबा बाबा कर रहे हैं। इतनी प्रार्थना है कि हमेशा इनके ऊपर ऐसे ही रहम की नजर बनाए रखें, बस यही प्रार्थना है। रिजवान भाई कहेंगे, हाँ रिजवान भाई कि हम यही कहना चाहेंगे कि सबने जो है पिक्चर देखी है और सबने आए देखा सब कुछ बोला है, लेकिन पिक्चर के पीछे जो बहुत से लोगों की मेहनत जुड़ी होती है वो कभी सामने नहीं आ पाती। रिजवान ने मेरा गुस्सा भी सहा है, हमने बहुत गुस्सा किया है, बहुत सहा है, और हमने अगर कभी रिजवान को बोला है कि मुझे यहाँ जाना है, आज हम 12-13 साल से जानते हैं रिजवान को, लेकिन रिजवान ने कभी जो ना नहीं किया। आंधी तूफान उसने अपने घर के प्रोग्राम छोड़ दिए, अपना छोड़ा, मेरी हेल्थ को लेके बहुत किया है, हम शब्द इनके लिए भी नहीं हैं जो हम कह पाए। तो आज हम लोग आए थे राजा जी पुरम में, जहाँ पे साई भजन संध्या थी, एक साल से यानी 12 महीने से एना जी ये प्रोग्राम कर रही हैं। आज जो है कार्यक्रम का समापन था, आज है आपका 21 तारीख है, एक साल से निरंतर ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें साई जी का वंदन भी हो रहा है, अभिनंदन भी हो रहा है, और साई जी की भक्ति को लेकर के एना जी ऐसे दिन रात लगी रहती हैं, क्योंकि उनका जो कहना है कि साई के रूप हजार हैं और साई के हाथ भी हजार है, तो किसी न किसी तरह से साई जी आते और सबकी मदद करते, तो ऐसे ही उनके भी और उनके परिवार की मदद उन्होंने करी है, तो इसी को लेकर के आज ये कार्यक्रम हुआ था राजा जी पुरम में साई संध्या को लेकर, साई भजन संध्या को लेकर। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।